ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान इस कदर चिढ़ा हुआ है कि वहां के फैंस भारत पे नए नए इल्जाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी बीसीसीआई और आईसीसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। कभी उनके मुताबिक आईसीसी भारत पर फेवर करता है तो कभी उनका कहना है कि टीम इंडिया मैच में अलग गेंद का इस्तेमाल करती है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के एक और दिग्गज का नाम जुड़ गया है जिन्होंने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर टॉस फिक्सिंग का आरोप लगा दिया है। आइए जानते हैं वीडियो के जरिए क्या है पूरा मामला। भारतीय टीम के आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाने के बाद पाकिस्तान टीम की ओर से लगातार अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। इसी बीच पूर्व तेज गेंदबाज आकिब जावेद ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर टॉस फिक्सिंग का आरोप लगा दिया है। आकिब जावेद ने अपने बयान में कहा, रोहित शर्मा ने ठीक से सिक्का उछाला नहीं। जब विपक्षी कप्तान को सिक्के का पहलू नहीं दिखता है तो टॉस का क्या मतलब। बीसीसीआई क्रिकेट को नियंत्रित कर रही है और आईसीसी उनके सामने कुछ नहीं बोलती। ये विश्व कप एक योजनाबद्ध है और भारत इसे जीतेगा। 2011 वर्ल्ड कप में भी भारत की जीत भी विवादास्पद थी। इस्तेमाल की गई पिच भी बीसीसीआई का एक और विवादास्पद फैसला है। गौरतलब है कि आकिब जावेद के अलावा पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी सिकंदर बख्त ने भी टीम इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि रोहित शर्मा टॉस के दौरान सिक्के को जानबूझकर दूर फेंकते हैं और दूसरे कप्तान को देखने तक नहीं दिया जाता कि उसका कॉल सही है या गलत। सिकंदर बख्त ने रेफरी को दोषी करार देते हुए कहा कि टॉस के दौरान रेफरी ही बताता है कि किसके पक्ष में सिक्का गया है। पाकिस्तान की ओर से आ रहे लगातार ऐसे बयान साफ सबूत हैं कि फाइनल में पहुंचने के बाद टीम इंडिया से पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें।